हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने लॉकडाउन को लेकर सरकार पर हमला बोला है। लॉकडाउन पर मनीष तिवारी ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस लगातार लॉकडाउन को लेकर सवाल उठा रही है सरकार के ऊपर। अब कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बाकायदा ट्वीट करके लॉकडाउन पर सवाल खड़े किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, लॉकडाउन पर कांग्रेस की राजनीति लगातार जारी है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की तरफ से अब ट्वीट किया गया है, ट्वीट करके उन्होंने लॉकडाउन पर सवाल खड़े किए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार लॉकडाउन को लेकर राजनीति कर रही है और अब पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी की तरफ से लॉकडाउन को लेकर सवाल खड़ा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, एबीपी न्यूज पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है और लॉकडाउन पर सवाल खड़े किए हैं मनीष तिवारी ने। क्या कुछ अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा वो आपको बता देते हैं। मार्च 22 113 जिलों में कुल 341 केस और 7 मौतें। 10 मई 720 जिलों में 62,854 केस और 1,990 मौत हुई है। ये आंकड़े उन्होंने अपने ट्वीट में दिए हैं। भारत 3 दिन में 50,000 से 60,000 केस तक पहुंच गया। लॉकडाउन से हमें क्या हासिल हुआ, भारत क्या हासिल कर रहा है, यह सवाल मनीष तिवारी ने ट्वीट के जरिए खड़े किए हैं। लॉकडाउन पर सवाल खड़े किए हैं मनीष तिवारी ने। पूरे आंकड़े उन्होंने दिए हैं जब लॉकडाउन हुआ था तब का और आज तक का, और उसके बाद यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर लॉकडाउन से हमें क्या हासिल हुआ है, हम क्या हासिल कर पाए हैं लॉकडाउन से। वजह यह थी लॉकडाउन की कि मामलों को रोका जा सके, कंटेन किया जा सके, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ते रहे। उन्होंने यह भी लिखा है कि पिछले 3 दिन में ही 50,000 से मामले बढ़कर 60,000 हो गए। और ये सारे आंकड़े, इन आंकड़ों के जरिए बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर हमला बोलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने यह ट्वीट किया है, उन्होंने सवाल उठाए हैं। ट्वीट में क्या लिखा है देखिए, भारत में 3 दिन में ही मामले 50,000 से 60,000 तक पहुंच गए, आखिर लॉकडाउन से हासिल क्या हुआ, भारत हासिल कर क्या रहा है।